नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अर्नोटेक में। मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आया हूँ नए टॉपिक पर। क्या हमारे पास एक प्रिंट 10, इसमें दोनों लाइट ब्लिंक कर रही है। चलिए देखते हैं क्या दिक्कत हो सकती है। मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगा, शॉर्टकट में ही आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाऊँगा कि यह समस्या कैसे सही हुआ। बस आप हमारे इस वीडियो पे बने रहिए। चलते स्टार्ट करते हैं। हमने साइड का पैनल खोला हुआ है और इसमें ये प्रिंटर चालू करते ही और ये दोनों लाइट जलने लग रहा है थोड़े समय पे। और इसमें समस्या है, ये साइड का कोडर, ये सेंसर लगा हुआ है, ये सेंसर कोडर को रीड नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से ये एरर मार रहा है। चलिए इसको ठीक करके आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं दोनों लाइट ब्लिंक कर रही है, प्रिंटर पावर ऑन का भी लाइट ब्लिंक कर रहा है। तो ये समस्या इस सेंसर से है। ये कोडर है, ये कोडर सही है और ये सेंसर ख़राब है, जिस वजह से ये कोडर को रीड नहीं कर पा रहा है और ये मशीन स्पीड से मूवमेंट करके ये एरर मार दे रहा है। ये दोनों लाइट ब्लिंक कर रही है। ये हम दूसरा सेंसर लिए हुए हैं, इसको हम लगाएंगे, खराब वाला सेंसर को बाहर निकाल देंगे। तो ये सेंसर को, ये ख़राब है, ये कोडर को रीड नहीं कर पा रहा है, इसको खोल के बाहर निकालते हैं। ये हमने खोल के बाहर कर दिया, वो हमारा सही वाला सेंसर रखे हुए हैं, इसको हम लगाते हैं। इसको लगा के मैं आपको आगे के वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से समस्या का समाधान हुआ। बस आप बने रहिए हमारे। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये एप्सन EL3210 प्रिंटर है, इसको सेंसर को इसमें लगा के चेक करते हैं। ये लाइट जल रहा है, अभी मैं प्रिंटर को बंद करूँगा, दोबारा वापस इसको ऑन करूँगा। ये प्रिंटर ऑन हो गया। अभी मैं आपको गियर का मूवमेंट भी दिखाऊंगा कि किस तरह से अब ये गियर मूवमेंट कर रहा है कोडर के साथ में। इसको थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है क्योंकि इसको मैं अभी स्क्रू ड्राइवर से कसा नहीं हूँ, स्क्रू से अभी बिना स्क्रू के ऐसे ही फंसाया हुआ हूँ। अब ये देख सकते हैं कोडर ये मूवमेंट किया गियर के साथ में। अब ये धीरे धीरे हेड अपने पोजीशन पे जा रहा है। ये आप देख सकते हैं ये अब गियर के साथ में मूवमेंट कर रहा है। ये प्रॉब्लम सही हो गया दोस्तों, ये सेंसर सही था, ये खराब सेंसर है जिस वजह से ये कोडर को रीड नहीं कर पा रहा है। अब प्रिंटर रेडी नहीं हो रहा है, आप देख सकते हैं प्रिंटर ये रेडी हो गया है और एरर का लाइट भी जलना बंद हो गया है। हेड भी अपने पोजीशन पे जाकर रुक गया है, अब ये प्रिंट आउट के लिए रेडी है। चलिए इसको प्रिंट आउट चेक करते हैं स्कैनर में। हमने पेपर रख दिया, हमने ट्रे में भी पेपर लगा दिया है, प्रिंट आउट चेक करेंगे। हमने ब्लैक एंड वाइट का बटन दबा दिया। मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये पेपर खींच रहा है, प्रिंट कर रहा है।
ये हेड रेडी है प्रिंट आउट के लिए। ये पेपर नहीं खींच पा रहा है, खींच लिया है, देख सकते हैं। ये हेड प्रिंट कर रहा है पेपर के ऊपर, जो मैं जिस कैनर पर रखा हुआ है वही मैं ट्रांसफ़र कर रहा है पेपर के ऊपर। ये पेपर धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। ये हमारा प्रिंटर ओके है दोस्तों। ये समस्या जो था ये सेंसर का था, ये कोडर को रीड नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से ये चालू होते ही गिरर मार दे रहा था। मशीन ओके है दोस्तों।